Now, what do you mean by share warrants and how it's going to affect EPS? See, share warrants, ये पार्ट अपन ने सीए इंटर में नहीं किया था. द रीजन इज सीए इंटर में शेयर वॉरेंट्स से रिलेटेड ज्यादा कुछ था ही नहीं. शेयर वॉरेंट्स में मैं तुमको बोलता हूं, कंपनी टेक्स एडवांस मनी फ्रॉम इन्वेस्टर. थोड़ा प्रॉपरली समझाता हूं. लेट सपोज देर इज अ कंपनी, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड. ये एक्स लिमिटेड कंपनी ने ना एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर है लेट से मिस्टर ए. ये इन्वेस्टर को एक्स लिमिटेड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना. ये कंपनी के पास आता है, बोलता है मेरे को पैसा आपके कंपनी को देने का है. कंपनी बोलती है हमको कोई लोन नहीं चाहिए, तुमको पैसा देने का है बट हमको कोई लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, तो मिस्टर ए बोलता है तो एक काम करो ना, मेरे को कंपनी का शेयर दे दो. ये कंपनी को पैसा देना चाहता है, कंपनी से हमको लोन नहीं चाहिए. तो ये बोलते हैं काम करो, मेरे को कंपनी का शेयर दे दो. कंपनी बोलते हम लोग कोई पब्लिक इश्यू नहीं लेके आ रहे अभी, एट प्रेजेंट वी आर नॉट कमिंग आउट विद एनी पब्लिक इश्यू. ठीक है, उसके बाद में कंपनी बोलती है इनफैक्ट पब्लिक इश्यू तो नहीं ला रहे, लेकिन ये बोलता है कि मेरे को तो कंपनी को पैसा देना है, मेरे को तो आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है. आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, दैट्स श्योर. तो मेरे पास अमाउंट भी कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं. मैं 5 करोड़ रुपया आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं. एक काम करो, तुम एडवांस रखो, यू कीप दिस मनी विथ यू, यू कीप दिस मनी इन एडवांस एंड वेन एवर, आज कोई पब्लिक इश्यू नहीं है लेकिन वेन एवर इन फ्यूचर कंपनी कम्स आउट विद एनी पब्लिक इश्यू देन गिव मी शेयर्स. मेरे को ये मेरे 5 करोड़ के अगेंस्ट वो शेयर, उसके बदले में शेयर्स दे देना. अब 5 करोड़ का नाम सुन के ना कंपनी एग्रीज. कंपनी बोलती है ठीक है, अगर हमने फ्यूचर में कभी भी शेयर्स इश्यू किया तो पहला राइट होगा हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का. अगर राइट इश्यू फेल हो गया, इसका मतलब हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने शेयर्स नहीं लिए, तो हम पब्लिक को ऑफर करेंगे एंड व्हेन इट इज ऑफर्ड टू पब्लिक देन यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसको हम शेयर्स देंगे. सो कंपनी एग्रीज, कंपनी ने पैसा ले लिया. लेकिन पैसा ले लिया ना तो उसको कुछ ना कुछ अपने को एक्नोलेजमेंट भी देना पड़ेगा. सो कंपनी ने क्या किया है, एक्नोलेजमेंट में कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया है. कंपनी हैज गिवन प्रॉमिस कि हम तुमको शेयर्स देंगे, और ये प्रॉमिस करके शेयर्स देने का प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको शेयर्स देंगे, और उसकी प्राइस भी आज ही फिक्स कर दी है. लेट सपोज आज मार्केट में प्राइस चल रही है 40 रुपीज, तो उसको बता दिया कि हम तुमको लेट सपोज जो भी शेयर्स है, जितने भी शेयर्स है, ये 5 करोड़ के हिसाब से जितने भी शेयर्स बनते हैं ना, हम तुमको उतने शेयर्स देंगे फ्यूचर में 40 रुपीज पे. एक चीज तो पक्का है, अगर कोई हमारे कंपनी में 5 करोड़ रुपया एडवांस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमारी कंपनी कोई एरी गेरी कंपनी नहीं है, हमारी अच्छी कंपनी है. तो फ्यूचर में हमारे कंपनी का तो रेट बढ़ने ही वाला है, शेयर्स का प्राइस बढ़ने ही वाला है, और शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो इन्वेस्टर जो है ना, ये मिस्टर ए, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो इसको तो गेन होने वाला है, इन्वेस्टर विल गेन. जिस दिन भी पब्लिक इश्यू होगा ना, लेट सपोज आज 40 रुपीज में कुछ नंबर ऑफ शेयर 40 रुपीज में डिसाइड हो गए कि 40 रुपीज पर शेयर हम डिसाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में जब भी तुमको शेयर देंगे तो 40 रुपीज के हिसाब से शेयर देंगे. 5 करोड़ रुपया डिवाइड बाय 40 जो भी नंबर ऑफ शेयर होते हैं. अब क्या है ना, फ्यूचर में आज के डेट में हमने डिसाइड कर लिया, 5 करोड़ डिवाइड बाय 40 नंबर ऑफ शेयर्स भी डिसाइड हो गया है, प्राइस पर शेयर भी डिसाइड हो गया है, लेकिन फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा. लेट सपोज ये प्राइस हो गया 180 रुपीज, अरे प्राइस हो गया 180 रुपीज, जैसे 180 रुपीज हो गया ये ईसॉप के जैसा काम हो गया. कंपनी 180 रुपीज का शेयर
शेयर होल्डर को 40 में दे रहा है, तो ईसॉप में भी तो यही होता था, कंपनी 120 का शेयर 60 रुपीज में देता था शेयर अपने एम्प्लॉयज को, तो सेम वे 180 रुपीज का शेयर इसमें 120 रुपीज तो लिया जाएगा, 60 रुपीज कंसेशन है। सो जहां पे कंसेशन आ गया सेम वही तरीके से काम करेंगे, फ्री शेयर्स निकालेंगे मार्केट प्राइस माइनस प्राइस ऑफर, डिफरेंस विल बी कंसेशन डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू प्रॉमिस नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमको मिल जाएंगे फ्री शेयर्स। और एक बार हमको फ्री शेयर्स मिल गया ना, बस वो फ्री शेयर्स ही हमारा ईसॉप है। पैसा आज ले रहे, शेयर्स फ्यूचर डेट पे दिया जाएगा, लेकिन क्या है ना, ये जो मार्केट प्राइस है ना फ्री शेयर्स है, हर साल चेंज होएगा। फर्स्ट ईयर में लेट सपोज फर्स्ट ईयर 2017 हमने पैसा लिया और सामने एक्नॉलेजमेंट में हमने वारंट्स इशू कर दिया कि फ्यूचर डेट में ये वारंट्स लेके आना, हमको वापस देना, इसके बदले में शेयर्स दे देंगे। और प्राइस क्या फिक्स कर दी, 40 रुपीज़ इज द फिक्स्ड प्राइस, ये फिक्स्ड प्राइस है 40 रुपीज। एंड ऑफ द ईयर 31st मार्च 18 एंड ऑफ द ईयर प्राइस हो गया 42 रुपीज। शेयर के प्राइस हो गए एवरेज प्राइस हो गया 42। तो ये 42 हो गया, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, प्राइस एवरेज प्राइस माइनस प्राइस ऑफर्ड अपॉन एवरेज प्राइस इनटू प्रॉमिस्ड नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमको मिल जाएंगे फ्री शेयर्स। वापस से ईसॉप वाला ही केस बन गया, फ्री शेयर्स। अगले साल 31st मार्च 2019 को एवरेज प्राइस हो गया 47, तो 47 के अकॉर्डिंग वर्किंग कर लेंगे, 47 माइनस 40 अपॉन 47 इनटू शेयर्स, तो यहां पे अपने को फिर मिल जाएंगे फ्री शेयर्स सो ऑन। तो तुम्हारे फ्री शेयर्स है ना वो चेंज होते रहेंगे। 31st मार्च 20 को वापस से प्राइस बदलती है, 31st मार्च 20 को फिर से प्राइस बदल जाती है और अब प्राइस हो जाती है, एवरेज प्राइस है 60 रुपीज, तो अब फ्री शेयर्स बनेंगे 60 माइनस प्राइस ऑफर्ड 40, तो डिस्काउंट 20 रुपए का अपॉन 60 इंटू शेयर्स, ये लो फ्री शेयर्स बदल गए। अच्छा, शेयर्स तो इश्यू होगा लेकिन फ्यूचर में शेयर्स तो इश्यू होगा, ये फ्री शेयर्स ही ईसॉप को डाइल्यूट करेगा, क्योंकि पैसे आज मिल गए फ्यूचर में फ्री शेयर्स देंगे। जो शेयर्स का प्राइस पूरा मिलने वाला है उसका तो बेसिक इश्यू ईपीएस का पार्ट है, वो तो जो फ्री शेयर्स है वो हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट है। लेकिन याद रखो, फ्यूचर में शेयर्स तो इश्यू हो रहा है लेकिन कोई सेविंग्स नहीं है। जैसे प्रिफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होता है तो सेविंग्स ऑफ डिविडेंड होता है, डिबेंचर्स कन्वर्ट होता है तो सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये शेयर्स देने वाले फ्री शेयर्स ईसॉप में और शेयर वॉरेंट्स में, हम फ्यूचर में शेयर्स देने वाले हैं ईसॉप में सर्विस के बदले शेयर्स है, मतलब कोई एक लाइबिलिटी के बदले में शेयर्स नहीं है कि लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट डिविडेंड दे रहे थे हम लोग। तो ये मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स में ईसॉप के तरह ये भी रैंक नंबर 1 है, मतलब अगर मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स आएगा ना तो बेसिक ईपीएस के साथ तुम लोग ईसॉप और शेयर वॉरेंट्स ये दोनों को ऐड करोगे और फिर निकालोगे इनका ईपीएस एक साथ, क्योंकि इनका रैंक नंबर 1 आने वाला है, इनमें सेविंग जीरो है। तो जब तुम इंडिविजुअल ईपीएस निकालोगे ना, मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स होते हैं ना, तो उसमें हम लोग पहले इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालते हैं। इंक्रीमेंटल ईपीएस इज नथिंग बट इंडिविजुअल ईपीएस, हम लोग इंडिविजुअल ईपीएस निकालते हैं। तो जो इंडिविजुअल ईपीएस वर्कआउट करते हैं ना, इंडिविजुअल ईपीएस में इनका अमाउंट होगा 0, दैट इज रैंक नंबर 1, हम लोग लोएस्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ईसॉप और शेयर वॉरेंट्स विल बी रैंक्ड एज रैंक नंबर 1
आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, जो मैंने समझाया सबको समझ में आया होगा, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, यस ऑल ऑफ यू। शेयर वॉरंट्स डिटेल में समझ में आ गया क्या? पैसा आज ले लिया है, शेयर्स फ्यूचर में इश्यू करेंगे, और पैसा लेने के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स भी डिसाइड हो जाता है और प्राइस ऑफ शेयर्स भी डिसाइड हो जाता है। सो फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ता है ना, तो हम लोगों को बढ़े हुए प्राइस में भी सस्ते, ₹40 अपना प्राइस फिक्स है, फ्यूचर में 120 हो गया, 160 हो गया, 180 हो गया, तो हमको ₹180 मार्केट वैल्यू होते हुए भी ₹40 में शेयर्स मिलेगा। तो यहाँ पे एक फ्री का कंपोनेंट आ जाता है, जब ये कंसेशनल शेयर्स होते हैं ना, तो एक फ्री कंपोनेंट छुपा होता है, वो जो फ्री कंपोनेंट है वो है डाइल्यूटेड ईपीएस। फ्री कंपोनेंट इज अवर डाइल्यूटेड ईपीएस। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। एडजस्टमेंट नंबर 3, नाउ वी कैन प्रोसीड विद दिस। मेरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया, आई हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया शेयर वॉरंट्स का।